हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इक्वेटिक हैबिटाट। वी ऑलरेडी हैव कवर्ड मेनी टॉपिक लाइक अ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, व्हाट इज एडाप्टेशन, व्हाट इज हैबिटाट एंड मेनी अदर टॉपिक्स। सो वी कंटिन्यू अवर टॉपिक इक्वेटिक हैबिटाट। सो व्हाट इज इक्वेटिक हैबिटाट? जैसे कि आपको डायग्राम से ही शो हो रहा है, इक्वेटिक इक्वेटिक मीन्स होता है वाटर, हैबिटाट मीन्स होता है आवास यानी घर। तो यहाँ पर हम इक्वेटिक हैबिटाट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है मैराइन हैबिटाट। सो वॉट इज द मैराइन हैबिटाट? सो मैराइन हैबिटाट हैज़ द कंप्राइजेज ऑफ ओशन एंड सी एंड बोथ हैव अ सॉल्ट वाटर। तो मैराइन हैबिटाट में ओशन और सी दोनों को कंप्राइज किया जाता है और दोनों में ही सॉल्ट वाटर होता है। ओशन मतलब होता है महासागर, है ना, और सीस मतलब होता है समुद्र होता है। एंड सेकेंड टॉपिक इज देयर आर होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स लाइक अ मोस्ट पार्ट ऑफ फिशेज पॉपुलेशन इज फाउंड एयर। तो मैराइन हैबिटाट जो है कई तरह के डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का घर होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है, वाइड वैरायटी पाई जाती है फिशेस की, पाई जाती है हर कलर की, हर साइज की, छोटी बड़ी हर तरह की फिशेस होती हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है आपका मैराइन क्रिएचर्स आर फाउंड इन एस्टुअरीज वेयर रिवर्स एंड ओशियंस मीट एंड द वाटर इज सॉल्टी। जैसे कि आप सब जानते हो जितनी छोटी बड़ी जो रिवर्स होती हैं लास्ट में जाके सी या ओशियंस में मिल जाती हैं। तो जो वो पॉइंट होता है जहाँ पर सी वाटर और रिवर का वाटर मिक्स होता है उसको एस्टुअरीज कहा जाता है। मैराइन क्रिएचर्स आर फाउंड, तो ज़्यादातर जो मैराइन क्रिएचर्स यानी कि मैराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर रिवर और ओशियन का मीट होता है और वहाँ का मतलब दोनों मिक्स होते हैं, मिलते हैं, और वहाँ का वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है। मैराइन मैमल्स लाइक अ वेल्स माइग्रेट टू लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द टेम्परेचर चेंज। मैराइन मैमल्स, मैराइन मैमल्स मतलब ऐसे एनिमल जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, जिनको स्तनधारी कहा जाता है। मैं बता दूं कि एनिमल्स के 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, स्पाइसेस और बर्ड्स। तो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड, ऐसे एनिमल जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। रेप्टाइल्स में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्क्रॉल करते हैं, सरकते हैं जमीन पे, रेंग के चलते हैं। एम्फीबियंस में ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर और लैंड एरिया दोनों में लीव करते हैं। और पाइसिस में ये फिशेस का ग्रुप होता है, सारी फिशेस इसमें आती हैं, और बर्ड्स में सारे बर्ड्स आते हैं। तो मैराइन मैमल जो हमारी व्हेल मछली होती है, वो मैमल्स होती है, वो क्या करती है, माइग्रेट करती है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है? टेम्परेचर चेंज होने के कारण। तो यहाँ पर एक वर्ड है माइग्रेट। तो माइग्रेट का मतलब क्या होता है कि जब एनिमल क्या करता है, अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए माइग्रेट करता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करता है। किस रीज़न से? फूड के रीज़न से, खाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, या तो फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, शिकारियों से, दुश्मनों से बचाने के लिए, या फिर टेम्परेचर चेंज होने के कारण। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक बर्ड होता है जो साइबेरिया से इंडिया आता है। क्यों आता है? फॉर द रिप्रोडक्शन, बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए, है ना। साइबेरिया से क्यों आता है? क्योंकि साइबेरिया में जिस टाइम पे रिप्रोडक्शन का टाइम उसका आता है, उस टाइम पे वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है, जिससे वो इंडिया की तरफ मूव करता है और इंडिया में वो आके रिप्रोडक्शन करता है। तो इसी की तरह जो मैराइन मैमल्स होते हैं, जैसे कि वेल मछली होती है, वो क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करती है इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जब चेंज होता है वाटर का, उसी ऑर्डर में क्या करती है, माइग्रेट करती है। फिर आपका आता है ओशियंस। ओशियंस क्या होते हैं? मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड गिल्स। आपने ऑलरेडी 8 चैप्टर में पढ़ा है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब बोट शेप, जैसे बोट होती है, शिप्स होती हैं उस शेप की ऑर्गेनिजम्स। तो ज़्यादातर जो ओशियंस होते हैं उसमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, और इनमें रिस्पायरेशन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स मतलब गलफड़े, जैसे कि हम सब में रिस्पायरेशन के लिए नोज पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ऐसे ही फिशेस में, मैराइन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, डू दे स्टे डीप इन ओशियन बट व्हेन मूविंग दे मेक अ स्ट्रीमलाइन मोशन। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, ऑक्टोपस जो होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है और ये ओशियन की गहराई में रहता है, बट
जब इसको मूव करना होता है तो स्ट्रीमलाइन मोशन करता है। आपने देखा होगा ऑक्टोपस में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, उसके लंबे लंबे पतले पतले बहुत सारे हाथ होते हैं, तो उनकी हेल्प से वो मोशन करता है। वेल्स हैव ए ब्लो होल इंस्टेड ऑफ गिल्स। वेल्स में क्या पाए जाते हैं? ब्लो होल पाए जाते हैं। वेल्स में क्या है? वेल मछली मैमल होती है, इसमें इसलिए इनमें गिल्स नहीं पाए जाते। तो ये सांस कैसे लेती है? ब्लो होल से। ब्लो होल क्या होता है? जैसे कि हम सब में सांस लेने के लिए नोज पाए जाते हैं, नोज में नोस्टिल्स होते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ऐसे ही बेल्स में क्या होते हैं? उनकी पीठ पे बैक में बड़े बड़े होल्स होते हैं। जब वो क्या करती है, सांस लेने के लिए ऊपर आती है तो वाटर को उसी से बाहर फाउंटेन की तरह बाहर निकालती है। तो बेल्स में सांस लेने के लिए क्या पाए जाते हैं? ब्लो होल्स पाए जाते हैं इंस्टेंट ऑफ गिल्स, गिल्स की प्लेस पे। दिस अनेबल देम टू ब्रेथ इजली व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। और ये उसको इजी बनाता है जो वो सरफेस पे स्विम करती है। फिर अब आता है फ्रेश वाटर हैबिटेट। अब फ्रेश वाटर हैबिटेट में हम किस किनको किनको कंप्राइजेस करेंगे? लेक, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब होते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब वो पानी जो हम यूज़ करते हैं, वाटर पीने के लिए यूज़ करते हैं, ये होते हैं फ्रेश वाटर। 3% ऑफ वर्ल्ड वाटर इज अकाउंटेड एज अ फ्रेश वाटर, बट स्टिल अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज आर फाउंड हियर। अगर देखा जाए, जैसे कि आप लोग को पता है कि 78% जो हमारा अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है, उसमें 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है, बाकी वाटर कैसा है? सॉल्टी वाटर है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 3% वाटर जो है फ्रेश वाटर है, उनमें से 1% वाटर जो है फ्रोजन आइस के रूप में जमा हुआ है। तो सिर्फ 2% वाटर जो है रिवर्स, पॉन्ड, लेक में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी स्पीसीज की वाइड वैरायटी पाई जाती है, एनिमल्स की वाइड वैरायटी पाई जाती है। यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? स्नेल, वॉर्म्स, मोलस्क, इस टाइप के एनिमल्स इस हैबिटेट पे पाए जाते हैं। फिर आता है पॉन्ड्स एंड लेक। तो पॉन्ड्स और लेक में प्लांट्स के बारे में बताया गया है। प्लांट्स कैसे होते हैं? वाटर प्लांट कैन बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक अ हाइड्रला। अब जो वाटर प्लांट्स होते हैं वो पूरी तरह से सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, लाइक अ हाइड्रला। एक ये एक वाटर प्लांट होता है, या फिर या तो वाटर प्लांट सबमर्स्ड होते हैं, पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं, या फिर फ्लोटिंग होते हैं, या फिर पानी में वाटर के सरफेस पे ये फ्लोट करते रहते हैं, लाइक अ वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइनेट। आपने लोटस का प्लांट देखा होगा, है ना, वाटर लिली देखा होगा। रूट आर मच रिड्यूस्ड इन साइज। वाटर प्लांट जो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, उनकी जो रूट्स की साइज़ होती है काफ़ी रिड्यूस होती है, छोटी साइज होती है, लॉन्ग ज़्यादा रूट्स नहीं होती है। सिंस दे आर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द प्लेस। इन वाटर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स पाई जाती है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनको उनके प्लेस पे होल्ड करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेम ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट, सो दैट दीज आर कैन बेंड इन अलॉन्ग विथ वाटर मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है? लॉन्ग होती है, हॉलो यानी अंदर से खोखली होती है, लाइट वेटेड होती है, जिससे वो वाटर में इजिली मूव कर लेती है, बेंड हो जाती है, जैसे कि वाटर ले ली। द स्टेम ग्रो अप टू सरफेस ऑफ वाटर। एक्वेटिक प्लांट की जो स्टेम्स होते हैं वाटर सरफेस पे ही ग्रो करते हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं, फ्लोर फ्लावर फ्लोट होता है, और सरफेस इनके लीव्स फ्लावर सब वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। टोटली सबमर्ज प्लांट्स हैव अ नैरो एंड रिवन लाइक लीव्स। ऐसे प्लांट जो टोटली सबमर्ज यानी टोटली जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी पत्तियां कैसे रहती हैं? सकरी, पतली पतली रहती हैं, और रिबन यानी जैसे आप रिबन टेप की तरह इसकी लीव्स होती हैं। दीज कैन बेंड फ्लोइंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर के साथ बेंड होती रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेम हैव एयर स्पेस टू एनेबल द प्लांट टू फ्लोट। स्टेम में क्या होता है? एयर स्पेस ज़्यादा पाया जाता है जिससे वह प्लांट फ्लोट करता रहता है। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड फ्लैट। फ्लोटिंग प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं और ये फ्लैट होते हैं। एंड दे हैव अ वैक्सी अपर सरफेस दैट मेक देम वाटर प्रूफ। और इनकी जो अपर सरफेस होती है इनमें वैक्स की लेयर होती है। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं या पत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कितना ही वाटर डालो वो गीले नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें वैक्स की कोटिंग होती है। इसी तरह से जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, इनमें वैक्स की कोटिंग होती है। आपने लोटस का प्लांट देखा होगा अगर, तो उनकी पत्तियों में वैक्स की कोटिंग होती है, उसमें पानी आप डालो गीला नहीं होता है।
एंड दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सर्फेस विच आर एक्सपोज टू एयर. नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि जो लीप्स होती हैं उनमें स्टोमेटा जो होता है नीचे की तरफ होता है लोअर पार्ट में, बट जो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनमें स्टोमेटा अपर पार्ट में होता है जो एयर में एक्सपोज होता है. फ्रॉग आर अडॉप्टेड टू लीप बोथ ऑन लैंड एंड वाटर एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक एंड लैग एंड वेब्ड फीट विच अलाउ देम टू स्विम इन वाटर. जो फ्रॉग होते हैं वो लीप वो लैंड और वाटर दोनों में रहने के लिए अडॉप्टेड रहते हैं. वो पानी में भी रहते हैं ज़मीन में भी रहते हैं और उनके जो उनका जो बैक होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसके साथ उनके वेब्ड फीट होते हैं यानी कि उनकी उंगलियों उनके पैरों की उंगलियों के बीच में स्किन पाई जाती है. वेब्ड फीट होने के कारण ये वाटर में काफ़ी अच्छी तरह से स्विम कर पाते हैं. अब आता है कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया क्या होता है? कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो सी के किनारे यानी कि समुद्र का किनारे का एरिया होता है. जैसे कि आप सब जानते हो हमारे इंडिया का जो साउथ का पार्ट है वो कोस्टल एरिया कहलाता है. तो हैबिटेट वेयर द लैंड मीट द सी यानी ऐसा हैबिटेट जहाँ पर लैंड सी से मिलता है. बीचेस स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज कॉल्ड अ मैनग्रूवर्स आर फाउंड इन दिस हैबिटेट. इस तरह के हैबिटेट में स्पेशल टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं मैनग्रूवर्स और कोकोनट एंड पाम खजूर जिसको हम कहते हैं. तो ये प्लांट्स सबको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. कोस्टल प्लांट्स लाइक अ सी वीट अटैच टू द रॉक फ्रेमली सो दैट दे आर नॉट स्वेट बाय द वेव्स. कोस्टल प्लांट्स जो होते हैं जो सी वीट्स पतली पतली सी वीट्स होती हैं तो कोस्टल एरिया के आसपास क्या होते हैं? रॉक्स पाए जाते हैं. रॉक्स पाए जाने के कारण ये प्लांट उससे फ्रेमली चिपके हुए अटैच रहते हैं जिससे अगर समुद्र की लहरें भी आके इसे टकराती हैं तो ये वहाँ से हटते नहीं हैं. अब आता है एस्क्लिमेटाइजेशन. तो एस्क्लिमेटाइजेशन क्या होता है? ड्यू टू सर्टन चेंजेस इन द सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म अडाप्ट थ्रू देम बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन द बॉडी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब अचानक हमारे आसपास सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं तो जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? उस चेंज के जैसा चेंज होता है आसपास उसके 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 अकॉर्डिंग अपने आप में एडाप्टेशन लाता है. जैसे कि आप लोग ने सुना होगा कि करोड़ों साल पहले हमारे अर्थ पर डायनासोर पाए जाते थे लेकिन अब वो डायनासोर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अचानक क्लाइमेट एस्टेरॉयड गिरा, क्लाइमेट चेंज हुआ जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए, जिस वजह से आज वो अर्थ पर पाए नहीं जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे आसपास सराउंडिंग में अचानक चेंजेस होते हैं तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपनी बॉडी में छोटे चेंजेस लाके उस चेंज पे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल द चेंज विच टेक प्लेस इन द बॉडी व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम प्लेन्स एंड माउंटेन्स. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब हम ट्रैवल करते हैं प्लेन से माउंटेन. प्लेन से माउंटेन मतलब अभी हम कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया. जैसे हमारा जो एमपी है वो प्लेन्स में आता है. अगर माउंटेन एरिया जैसे जम्मू कश्मीर उत्तराखंड जब पहाड़ी इलाके हैं अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस कंडीशन को एडजस्ट करती है. तो जो एडजस्टमेंट होता है इसको एस्क्लिमेटाइजेशन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं जो माउंटेन में चढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं. क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं वहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है और एयर प्रेशर कम होने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन कम होने के कम होता है इसलिए वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर. आपने ये भी देखा होगा नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है माउंटेनियर्स को, आप लोगों को भी होती है. क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में अचानक से चेंज होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमारी नाक की जो नोज़ की ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, इसलिए नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है. तो ये जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में एडजस्टमेंट होता है इसको एस्क्लिमेटाइजेशन कहा जाता है. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं. तो पहला है दे रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. हम सबको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम सब फूड क्यों लेते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए और बहुत सारी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि रिस्पायरेशन होता है, डाइजेशन होता है, एस्क्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है. तो इन सबको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है. हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है. नेक्स्ट है आपका दे ग्रो इन साइज. चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो सब में
डेवलपमेंट होता है, सब में ग्रोथ होती है। पहले आप छोटे से थे, अब धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ रही है, आप बड़े हो रहे हो, तो ये सब क्या होता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। प्लांट्स में भी ग्रोथ होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स को भी फूड की जरूरत पड़ती है और एनिमल्स को भी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एंड रिस्पायर प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब में ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। ब्रीथिंग तो दोनों में होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में हो रही है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि दे आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर है, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई चेंज इन इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि विंटर का सीज़न आता है, तो विंटर के सीज़न के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, या उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं। समर सीज़न आता है, तो समर के हिसाब से अपने आप को हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि समर सीज़न में क्या करते हैं, कूलर की हवा लेते हैं, पंखे लगाते हैं, ठंडी जगहों पे जाते हैं, ये सब। तो जैसा इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उसके बेसिस पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे कैरी आउट रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन एंड एक्सक्रिएशन। इसके अलावा क्या है लास्ट आपका, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी करना, यानी कि जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, चाहे प्लांट्स होते हैं, वो अपने ही जैसी स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक्सक्रिएशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। जो आप यूरिन, हमारी बॉडी वेस्ट के रूप में यूरिन हो गया, फीसेस हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया। जब आप खाना खाते हो, तो जो न्यूट्रिशन होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होती है उसको बॉडी रिमूव कर देती है, तो ये भी हो गया। फिर है, मूवमेंट इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस से माइग्रेट करना, जाना। तो प्लांट में तो मूवमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्राइम्बर्स और क्रीपर्स होते हैं जिनमें मूवमेंट पाई जाती है, और ह्यूमंस में भी होता है। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं, अपने ही जैसे सेम काइंड्स के स्पीसीज को बर्थ करते हैं। जैसे गाय जो होती है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देती, गाय की तरह ही दिखता है। ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, चेंजेस जितने भी आपके यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो ये शो करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।